हेलो गाइस, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हैंडबैग बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, बीच में स्पंज सीट और सॉरी बुकरम डाला है और अस्तर डाल के इसे क्विट कर लिया है और मेजरमेंट लिया है 11x20 इंच। और अभी 11 इंच है, उसमें से हमें 2.5 इंच पे दोनों साइड मार्क कर लेना है। इस तरह से दोनों साइड हमें इसी तरह से मार्क करना है। टोटल 4 मार्क करेंगे हम, 4 जगह पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। फिर ले लेंगे हम बेल्ट, तो बेल्ट मैंने 15 इंच का पहले से ही रेडी करके ले लिया है। और इसे जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का जो मार्क किया उसे इस पे रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। स्टिच हो गया। अभी हम यहाँ पे 2 इंच का एक फैब्रिक लेंगे 2x11 इंच का और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इस तरह से चौड़ाई में 2 इंच है और स्टिच कर लेना है दोनों साइड बेल्ट के। उधर स्टिच हो गया, बाद में बेल्ट को ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच कर लेंगे। टॉप स्टिच हो गई तो अभी उल्टा करके यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है, सिलाई लग कर लेनी है, यहाँ पे उसे कवर कर देना है। ये देखिए, ये दोनों साइड हमारा कवर हो गया। और अभी मैं मेरी साड़ी की लेस है ना जो बेकार पड़ी रहती है उसे ले लिया है और यहाँ पे दोनों जगह पे स्टिच करके इसे यहाँ पे लगा दूँगी, तो ये बैग हमारा इस तरह से खूबसूरत दिखेगा। अभी जो लेस स्टिच हो जाए बाद में बीच में से इसे फोल्ड करना है और उल्टी साइड हमें कर लेना है सेंटर का मार्क और ऊपर की साइड भी बेल्ट जहाँ पे हमने अटैच किया है वहाँ पे भी हमें सेंटर का मार्क कर लेना है। टोटल 4 जगह पे हमें सेंटर का मार्क कर लेना है। तो ये देखिए, 2 यहाँ पे हो गए और 1 यहाँ और 1 यहाँ, इस तरह से हमारे मार्क हो गए। अभी ये मैंने ओनली बुकरम छोड़ के ये फैब्रिक ले लिया है और अस्तर अभी जॉइंट करेंगे। तो और इसका मेजरमेंट लिया है 4.5 इंच बाय 7 इंच और इसके माप का हमें ले लेना है फैब्रिक। फैब्रिक इसके ऊपर रखना है सीधी साइड अंदर की साइड और ऊपर की साइड हमें स्टिच कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। सिलाई करके ये ऊपर की साइड हो गया। अभी इसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और बाकी जगह पे भी सिलाई कर लेंगे और जहाँ पे हमने सिलाई किया है ना वहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से चारों जगह पे हमें सिलाई करके इसे जोड़ लेना है। फिर जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। और अभी जहाँ पे हमने टॉप स्टिच की यानी कि कवर किया है वहाँ पे नहीं, उसके सामने की साइड जहाँ पे खुला पार्ट है ना वहाँ पे हमें कर लेनी है सेंटर का मार्क। तो ये देखिए, ये खुला है, इस तरह से खुलता है तो वहाँ पे हमें सेंटर का मार्क कर लेना है। सेंटर का मार्क हो जाए बाद में हम इसे अटैच करेंगे। तो पहले उससे पहले हम जिप अटैच कर लेते हैं। तो जिप ले लेनी है हमने 15 इंच की और उसमें बीच में सेंटर का मार्क कर लेना है। सेंटर का मार्क हो जाए बाद में इसे यहाँ पे हम स्टिच करेंगे, ये सेंटर को मैच करेंगे और यहाँ पे हमें 1 इंच छोड़ के सिलाई करनी है। यहाँ पे पहले हम 1 इंच पे मार्क कर लेंगे दोनों साइड। ये देखिए, ऊपर की साइड हमें ये 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए दोनों साइड ये मार्क कर लेना है और फिर जिप में सिलाई चला लेनी है। तो वो मार्क है ना वहाँ पे छोड़ के हमें सेंटर मैच करते हुए सिलाई कर लेनी है जिप में और फिर जिप को सेपरेट करते हुए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। दूसरी जगह पे भी हमने इसी तरह से जिप को अटैच कर लिया। अभी जो ये पार्ट हमने लिया है ना उसे यहाँ पे सेंटर को हम मैच करेंगे और फिर इस तरह से पकड़ते जाएंगे और पूरे में स्टिच करके ये पार्ट हमें जोड़ लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें सेम सेंटर का मार्क मैच करना है और फिर स्टिच करके तीनों जगह पे ये पार्ट को जॉइंट कर लेना है। इस तरह से बीच में सेंटर मैच होना चाहिए तो दोनों जगह पे सेम मेजरमेंट आएगा। ये देखिए, दोनों साइड मैंने स्टिच करके ले लिया। अभी ये जो जिप है ना उसे यहाँ पे हम पिनअप कर लेंगे दोनों साइड। अंदर की साइड हमें पिनअप कर लेना है कि ताकि साइड में जब हम कवर करें तो ये बीच में सिलाई में ना आ जाए इसके लिए। तो ये देखिए, ये जिप को मैंने इस तरह से पिनअप कर लिया। फिर
टू इंच की कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग बनाने के लिए मैंने स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रिप को ऊपर की साइड आधा इंच, अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और पूरे में यहाँ पे घुमाते हुए स्टिच करके यहाँ पे जोड़ लेंगे। और जहाँ पे जो आएगा ना तो उसे एक्स्ट्रा है उसे कट करके आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अभी अंदर की साइड इससे आधा इंच जो हमने फोल्ड किया था उसे घुमाना है और फिर इस तरह से स्टिच कर लेना है इसके ऊपर डबल फोल्ड करते हुए। तो पूरे में इस तरह से ही हमें सिलाई करके जोड़ लेना है। तो ये देखिए दोनों साइड मैंने इसी तरह से कवर कर लिया। और अभी हम जो जिप लगाई है ना उसमें रनर ऐड करेंगे। रनर को हम ऐड करेंगे और वापस निकाल लेंगे ताकि हमारी जिप है ना वो लॉक हो जाए और हम जब यहाँ पे कपड़ा अटैच करें तो वो आसानी से हमारा कपड़ा अटैच हो जाए। ये देखिए मैंने जिप रनर को ऐड किया और निकाल लिया। अभी वापस से इसे इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप दो रनर लेते हैं तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड से एक एक रनर अंदर की तरफ डाल सकते हैं। तो ये देखिए और अभी मैंने ये दो पार्ट ले लिए हैं 3.5 इंच बाय 3 इंच के और इसे साइड में लगाएंगे यहाँ पे जिप के साइड में और कवर करेंगे। तो ये इधर बीच में जिप को रखना है, दोनों साइड का जो हिस्सा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए स्टिच हो गया। अभी राइट साइड टर्न करके इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड मैंने कवर कर लिया। तो ये हमारा जिप भी कवर हो गया और बैग बनके रेडी हो गया। ये देखिए बीच में कितनी बहुत सारी स्पेस है और जिप मैंने इस तरह से लगाई है तो उसकी ओपनिंग भी वाइड ओपनिंग होती है और बेस भी काफ़ी अच्छा बना है। ये चौड़ाई में भी बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर है। ये देखिए कितना अच्छा और प्यारा सा हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। आप पार्टी वेयर बैग की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका फाइनल मेजरमेंट चौड़ाई में ये 10 इंच है, हाइट में ये 7.5 इंच है और बेज और साइड से ये 4 इंच है। इस तरह से इसका फाइनल मेजरमेंट आया है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, वो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है। तो कैसा लगा आपको ये बैग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय हिंद।